खरगोन जिले की बड़वा तहसील के ग्राम डेहरिया में चल रही जेसीबी से हो रहे अवैध खनन की सूचना पर नायब तहसीलदार सोलंकी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए खनन करती हुई जेसीबी को मौके से जब्त किया। ड्राइवर विष्णु चौहान ने बताया कि जेसीबी अर्जुन नायक निवासी लोंधी की है। अनुविभागीय अधिकारी मिलिन ढोके, तहसीलदार बामनिया और नायब तहसीलदार राहुल सोलंकी को लगातार मिल रही अवैध खनन की शिकायतों पर कार्रवाई की गई, लेकिन खनिज अधिकारी और खनिज विभाग से कोई भी अब तक इन कार्यवाहियों में उपस्थित नहीं रहा। बड़वाह, महेश्वर और कसरावद में बड़ी मात्रा में अवैध खनन से शासन को करोड़ों के राजस्व की हानि हुई है। SDM मिलिन ढोके ने बताया कि अब तक हुई कार्यवाहियों से लाखों रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है, जब से मिलिन ढोके ने प्रभार संभाला है। बड़वाह से रफीक मुंडा की रिपोर्ट। जब से आए आते थे इलेक्शन में लग गए थे, उसका लगातार कार्रवाई चल रही है और लगभग हर रोज ही कार्रवाई होती है। आज भी 4 ट्रैक्टर पकड़े जेसीबी पकड़े और लाखों रुपए का जुर्माना वसूल किया है और रेवेन्यू इकट्ठा किया। सर, इसमें रेवेन्यू ऑफिसर्स दिखाई नहीं देते इन कार्रवाइयों में, क्या कारण है इसका? रेवेन्यू ऑफिसर क्यों दिखाई देते? मैं खुद रेवेन्यू ऑफिसर हूँ, मैं पकड़ के ला रहा हूँ। तहसीलदार नायब तहसीलदार भी पकड़ के ला रहा हूँ। और माइनिंग ऑफिसर? माइनिंग ऑफिसर नहीं अभी तक आए हैं, वो जिले में बैठते हैं, उनसे पता करना पड़ेगा कहाँ व्यस्तता है। कार्रवाई उन्हें भी करना है, उन्हें भी करना चाहिए। अभी तक सर आपको आपने सूचना कितनी बार दी है सर उनको? क्या सूचना कितनी बार दी है कि अवैध? तो उन्हीं का विभाग, मूल विभाग उन्हीं का है, सूचना उन्हें थोड़ी देना है। वो तो अगर हमें दिखता है अवैध उत्खनन है तो हम लोगों को भी अधिकार है, हम लोग भी उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ठीक है। मौजूद भी नर्मदा तटों पर खनन नहीं रुक पा रहा है, इसके लिए क्या कारण समझते हैं? अभी तक पूरी कोशिश कर रहे हैं और आपकी बार बिल्कुल रोक के बताएंगे। थैंक यू सर। ये बड़वा क्षेत्र में जो एक ग्राम है, वहाँ पर शासकीय भूमि की जो मत की भूमि है 22/1, वहाँ पर अवैध रूप से जेसीबी जब्त की गई है, जो कि वहाँ पर शासकीय भूमि पर समतलीकरण कर रही थी, वहाँ के जो झाड़ियाँ वगैरह काटी जा रही थी उसे जब्त की गई है, फिर इसकी सुपुर्दगी में दी गई है। सर, ये जेसीबी किसकी है सर? ड्राइवर के कथन दिए गए मेरे द्वारा, तो उन्होंने अर्जुन करके बताया, मालिक का नाम बताया। सर, ये जैसे आपकी कार्रवाइयाँ लगातार चलती जा रही है, लेकिन उसके बाद भी सर अवैध उत्खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हमारी तरफ से कार्रवाइयाँ लगातार की जा रही है, लेकिन अब उसके लिए खनिज विभाग को भी हमने जानकारी दी है, खरगोन ने भी जानकारी दी है, तो अच्छी जो कड़ी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी ये सुनिश्चित किया गया है। सर, कई बार ये देखने में आता है कि नायब तहसीलदार या तहसीलदार द्वारा कार्रवाई की जाती है, परंतु खनन अधिकारी कभी उपस्थित नहीं हो पाते, क्या कारण है कि इस क्षेत्र में खनन अधिकारी रुचि नहीं ले रहे? ये खनिज अधिकारी और कलेक्टर साहब द्वारा